डॉक्टर साहब, एक साल से मेरे जोड़ों में शदीद दर्द है, बहुत इलाज करवाया, फिकर नहीं पड़ा, अच्छा फ़र्क नहीं पड़ा। सुबह नहार मुँह नीम गर्म पानी में शहद और सेब का सिरका डालकर भी पी रही हूँ, कोई ख़ास फ़र्क नहीं, बराए मेहरबानी। मेरे मोहतरम भाइयों, जितने लोगों के जोड़ों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, चाहे वो मर्द हैं चाहे वो औरतें हैं, एक तो घुटनों के ऊपर लेप करो, दूसरे नंबर पर कलवंजी मेथी दाने का पानी पियो, तीसरे नंबर पर सलाद खाओ, खुदारा सलाद खाओ, सलाद खाओ फलों और सब्जियों की, और इसके साथ तलबीना खाओ। और तलबीना में मेरे मोहतरम भाइयों 10 चीज़ें ऐड करो, बादाम, काजू, पिस्ता, अखरोट, सफ़ेद तिल, खशखाश, सौंफ, किशमिश, चारों मगज़ और अलसी के बीज। और अगर आप इसमें फुल मखाना भी डाल लो जो बेहतरीन है, 100-100 ग्राम सारी चीज़ें लो, खशखाश और अलसी के बीज 50-50 ग्राम लो, क्योंकि इससे जायका थोड़ा सा उसमें फ़र्क आ जाता है। इसको कूटना है, ग्राइंड नहीं करना। जितने लोगों को कोई भी बीमारी है, चाहे ज़हनी कमज़ोरी है, मर्दाना कमज़ोरी है, जिस्मानी कमज़ोरी है, घुटनों की कमज़ोरी है, पट्टों की कमज़ोरी है, कोई कमज़ोरी है, ये उसका बेहतरीन इलाज है। और मगज़ मगज़ को तकवीत देता है, तुखम तुखम को तकवीत देता है, बीज बीजों को तकवीत देते हैं। ये जो घुटनों में मिक है, ये मगज़ है, और इस मगज़ के लिए ये मगज़ हैं। अब ये इसको कूट लो, जौ के दलिए में पकाओ और ये खाओ, और रात को हल्दी दालचीनी वाला दूध लाजमी पियो। यकीन मानो, एक महीना ये करके, ये जिस बहन ने लिखा है कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ा, आप कह रहे मेरे घुटनों में दर्द है, एक महीना खा के देखो, आप लोग मुझे दुआएं देंगे, और ये आपकी मेडिसिन से बहुत सस्ता पड़ेगा, करके देख लो।